टोंक से खबर है जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच आज कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। छुट्टी का आदेश जारी हुआ तब तक स्कूल खुल चुके थे और बच्चे स्कूल भी पहुंच चुके थे। सुबह 8:30 बजे जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश जारी किए और इस आदेश से ना केवल स्कूल प्रबंधन असमंजस में पड़ गए बल्कि परिजनों को भी परेड हो गए। कुछ देर पहले ही बच्चों को जैसे तैसे करके स्कूल पहुंचाया गया और कुछ देर बाद ही स्कूल से छुट्टी का फोन आ गया। अब फिर से बारिश के बीच बच्चे स्कूल लेना उन्हें पहुंचना पड़ा है परिजनों को। कलेक्टर के आदेश के बाद बने हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने। रात भर से बारिश का दौर जारी है, ऐसे में कलेक्टर के आदेशों ने स्कूलों के बच्चों और पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल सभी बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद कलेक्टर के से ऑर्डर जारी हुए कि 12वीं तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऐसे में अब पेरेंट्स के पास स्कूलों से फोन पहुंच रहे हैं और बच्चों को लाने की जिद की जा रही है क्योंकि कलेक्टर के आदेशों के बाद स्कूलों ने सबने छुट्टी कर दी। ऐसे में परेशान पेरेंट्स हो रहे हैं, कैसे बच्ची को लेकर जा रहे घर? सर बच्चे को क्या लेके जा रहे, पहले खोलना नहीं चाहिए था, बारिश सुबह से आ रही है, कलेक्टर को आदेश सुबह दे देना चाहिए, आने जाने में परेशानी होती है। कितने बजे आदेश मिले कि स्कूल की छुट्टी हो गई है? अभी 10 मिनट पहले, लगभग 9:15 के आसपास। स्कूल का समय क्या है, कितने बजे बच्चे आए? 8 बजे का, सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे स्कूल का समय है, हालांकि 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे जिले भर की स्कूलों में यही समय है और कलेक्टर के आदेश 8:30 बजे के बाद आने की वजह से स्कूलों में अब बच्चे सभी पहुंच चुके थे। ऐसे में अब सभी बच्चों को वापस स्कूलों से घर लाने के लिए पेरेंट्स है वो स्कूलों से आ रहे हैं। बच्ची को कैसे लेके जा रहे घर? सर मोटरसाइकिल से लेके जा रहे हैं, बारिश आ गई थी सुबह से स्कूल आ गए थे। नहीं तो क्या छुट्टी का कब पता चला? छुट्टी का अभी भी पता चला, 1/2 घंटे पहले। तो क्या आपको लगता है कि ये छुट्टी पहले हो जानी चाहिए थी? आप पहले हो जानी थी सर, अभी परेशानी हुई नहीं, हमारे को छुट्टी हो गई थी लेकिन उस दिन बारिश नहीं आई, बिल्कुल परेशानी हुई है। परेशानी हुई है सर, भीगते हुए आए, भीगते हुए जाएंगे बच्ची को लेके। अब देखिए बारिश के मौसम में छुट्टी करने की वजह यह है कि पानी का बहाव तेज हो, बच्चे परेशान हो और स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन आदेश है वो करीब 1 घंटे देरी होने की वजह से न सिर्फ बच्चों की बल्कि पेरेंट्स की, स्कूल की, सभी की परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश वो रात भर से जारी है, अब भी बारिश का दौर जारी है, सभी बच्चे सुबह भीगते हुए स्कूल पहुंचे और छुट्टी के आदेश से वो 1 घंटे बाद मिलने के बाद स्कूल से पेरेंट्स के पास फोन पहुंच रहे कि अपने बच्चों को स्कूल से घर वापस ले जाइए। ऐसे में बारिश अभी रुकी हुई नहीं है, बारिश का दौर अभी जारी है और सभी बच्चे भीगते हुए फिर घर की ओर जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। चलिए मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे एक बार फिर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, प्रदेश भर में बारिश का दौर चल रहा है, प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं और अगले 24 से 48 घंटे भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जोधपुर अजमेर संभाग में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पाली अजमेर भिलवाड़ा में भी भारी बारिश हो सकती है। नागौर जैसलमेर और बाड़मेर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आप लोग इस जिले में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी करने का मतलब ये है कि आपको भी सतर्क रहना होगा, आपको भी सावधान रहना होगा। आसपास अगर आपके नदी नाले हैं तो उनसे बच के रहिए, तटीय इलाकों से आप बच के रहिए क्योंकि जल जमाव में जाहिर तौर पर बहाव इतना तेज हो जाता है कि कई बार हादसे को ये दावा दे देता है। उधर अजमेर में बारिश से सितम लगातार बना हुआ है, आम जनता के साथ पुलिस महकमा भी परेशान नजर आ रहा है। एसपी ऑफिस और एमओबी कार्यालय में भी पानी भर गया, बेसमेंट होने के चलते लगातार बारिश का पानी वहां भर रहा है, पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है, प्लास्टर गिर चुका है, शाखा में आधा दर्जन से ज्यादा कार्मिक काम करते हैं। अलवर गेट थाना भी लगातार बारिश की वजह से जलमग्न हो गया है। अलग अलग तस्वीरें, बेसमेंट के अंदर की तस्वीरें जो भयावह हैं, लगातार बेसमेंट होने की वजह से देखिए पानी बहुत तेजी से अंदर जा रहा है और जल जमाव की स्थिति भी यहां पर बनी हुई है, पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से प्लास्टर गिरा हुआ है और कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है।
उधर राजधानी जयपुर में देर रात से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में बारिश के चलते सुबह से ही राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। वहीं बारिश से सड़कें जगह जगह टूट गई हैं, इसके साथ वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ गई है। टोक रोड हो, रिद्धि सिद्धि हो या फिर डीसीएम पुलिया के साथ अंबेडकर सर्किल, झोटवाड़ा सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जाम के हालात बने हुए हैं। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने। राजधानी जयपुर के अंदर देर रात से ही रिमझिम बारिश का जो दौर है वो जारी है। आज सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भरने की, गड्ढे होने की, सड़कें टूट जाने की खबरें आ रही है, जिसकी वजह से शहर के अधिकांश इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर सर्किल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो ट्रैफिक जाम में झूसते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, ऑफिस आवर्स है, ऐसे में जो राहगीर हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई वाहन चालक इस बारिश के पानी में उनके जो वाहन खराब हो रहे हैं, इस वजह से जो जाम की स्थिति है वो देखी जा सकती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसे बहाल करने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो इस बारिश के अंदर इस ट्रैफिक को सुचारू बनाने में झूसते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप गुर्जर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उधर कोटा सहित एमपी से सटे इलाकों में देर रात से जमकर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सटे सुदूर अंचल के इलाकों में देर रात जमकर बारिश हुई है। खातोली में पार्वती नदी में उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का संपर्क कट गया है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर मार्ग ठप होने से बसों का आवागमन भी बंद हो गया है। चंबल और काली सिंध नदियों में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। खातोली में पार्वती नदी में जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। इसके चलते खातोली कस्बे में निचली बस्तियों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। इटावा क्षेत्र में पूरी रात मूसलाधार बारिश का दौर चलता रहा। इससे चंबल, पार्वती और काली सिंध नदी के साथ स्थानीय नदी नालों में भी तेजी से पानी की आवक बढ़ गई है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने ठगी की संभावित वारदात को टाल दिया। पुलिस ने एक कार से नोटों की डमी गड्डियां बरामद हुई हैं, जिसमें ऊपर नीचे असली नोट थे लेकिन बीच में सफेद कागज थे। टाउन थाना एसएचओ ने टिब्बी रोड पर संदिग्ध कार का पीछा किया तो ड्राइवर कार को खेत में ले गया और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। आरोपी ड्राइवर पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान कार से पुलिस ने 500 रुपए की 8 और 100 रुपए की 5 डमी गड्डियां बरामद की हैं। कार से पुलिस ने कुल 55,000 रुपए बरामद किए हैं। टाउन थाना अधिकारी के मुताबिक आरोपी ठगी की किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। टीम के टीवी रोड पर गश्त पर गए थे, जिस दौरान एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस की गाड़ी क्रॉस करके थे स्पिन गई, जिस पर पुलिस के द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को एक खेत में उतार कर और खुद वहां से भाग गए। जिस पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के में एक बैग मिला जिसके अंदर कुल 500 नोट की कुल 8 गड्डियां मिली और 100 के नोटों कुल 5 गड्डियां मिली। उन गड्डियों की ये खास बात थी कि वो गड्डियां हैं जो ऊपर और नीचे तो 500 और 100 के नोट ओरिजिनल लगा रखे थे और बीच के जो 98 नोट थे वो सभी है जो वाइट पेपर थे। प्रतापगढ़ के धरियावत के मुगाड़ा क्षेत्र के केसर फला में हुए 13 हत्याकांड में फरार महिला आरोपी इंद्रा लवाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पहले ही मृतक सूरजमल के 2 बेटे कांतिलाल, कनीराम और बहू किरण लवाना को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सूरजमल और उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई और 2 साल के मासूम बेटे की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि सूरजमल ने विधवा लक्ष्मीबाई से विवाह किया था। इससे पहले पत्नी के 3 बेटे और पूरा लवाना समाज खफा था। आरोपी महिला इंद्रा लवाना ने बताया कि सूरजमल और उसकी पत्नी लक्ष्मी को मारने के बाद मासूम बच्चों को चारों ने मिलकर इसलिए मारा क्योंकि समाज वाले फिर विधवा महिला की संतान को रखने पर हमारे खिलाफ हो जाते।
सावन शिव भक्त शिवजी की भक्ति में जुटे हुए हैं। बीकानेर के नीलकंठ कांवड़ यात्री संघ से जुड़े भक्त आज कोलायत के कपिल सरोवर कांवड़ लाए और शिवजी का जलाभिषेक किया। बड़ी संख्या में शहर के सड़क पर गुजरते इन कांवड़ियों से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। उधर बूंदी में भारी बारिश के चलते जैत सागर और नवल सागर तालाब के गेट खोल दिए गए हैं। इससे निचले इलाके की आधा दर्जन बस्तियां पानी में भर गई हैं। बाढ़ जैसे हालात यहां पर निचली बस्तियों में बने हुए हैं। बरसाती पानी के जवाहर नगर, महावीर कॉलोनी, शास्त्री नगर, न्यू कॉलोनी और साथ ही देवपुरा क्षेत्र में लोगों के घरों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। बारिश में घर में रखा सामान, खाद सामग्री भीग जाने से खराब हो गई है। लोग घरों की छत पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जबरदस्त है कि यहाँ तीन चार तरफ पानी चारों तरफ भरा हुआ है और घरों में भी पानी चला गया है। इधर जवाहर कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। लोग जो है ना आना जाना बंद है। लोगों को अपने मकानों में टेक होकर बैठे हुए हैं और उनका जो है ना कहीं किसी के घर में चूल्हा जला नहीं है तो सब परेशान हालत बहुत हालत में सुविधा है। इनमें दूध पानी की किसी की चीज की सुविधा नहीं है। यहाँ पर प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। प्रशासन ध्यान देता ही नहीं है। लोग भूखे भूखे बैठे हैं। लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। घरों में छतों पे बैठे हुए भूखे बैठे हुए सब परेशान है सब। तो ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। जोधपुर में भी आपको बता दें हादसे की जानकारी मिल रही है। फैक्ट्री की दीवार गिरने से हादसा हो गया। दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, 7 घायल हुए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद ये दीवार गिरी है। 3 शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 7 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वही मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रही कि देश भर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र गुजरात में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही दिल्ली NCR में भी बारिश की संभावनाएं हैं। यानी अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं बारिश राहत दे रही है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। खासतौर पर राजस्थान के कई इलाके जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो जैसलमेर शहर समेत जिले में मॉनसून सक्रिय होने से सावन में पहली मूसलाधार बारिश से सीजन का आधा कोटा पूरा हो गया है। शहर में 3 इंच पानी बरसा। सबसे ज्यादा 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 घंटे में। तेज बारिश की वजह से खड़ी टूटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। सड़कें पानी में बह गईं, घर पानी से घिर गए। कन्नौज में खड़ी टूटने से 5 रिसॉर्ट पानी से घिर गए। दावला में NH-68 का एक हिस्सा पानी में बह गया। बरसाती नदियां भी उफान पर आ गई हैं। बारिश का पानी शहर की इंदिरा कॉलोनी और दरिया नथ की बावड़ी में भर गया। दरअसल बरसात के बाद ग्रामीण इलाकों में इकट्ठा हुआ पानी नदी के रूप में बहते हुए शहर में घुस गया, जिससे दरियानाथ की बावड़ी में निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी घुसा है और ऐसे में प्रशासन ने करीब 8 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर पानी की निकासी की है। हालांकि इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। भरपूर बारिश इसमें पहली बार हुई है। यहाँ पर तालाब खड़ीन यहाँ से समझो के लबालब हो चुके हैं। कई खड़ीन पर जो पाली वालों के समय से थे वो पहली बार इतिहास में टूटे हैं। और जैसलमेर शहर की बात करें तो दरियानाथ की बावड़ी, इंदिरा कॉलोनी, रानीसर कॉलोनी में पूरा पानी भर गया है। यहाँ का स्थानीय MLA साहब आदमी छोटू सिंह जी भाटी प्रशासन पर दबाव बनाकर राहत टीम को लगाया गया। वही आयुक्त लजपत सिंह जी भी पुरजोर कोशिश आप खुद अपने खुद खड़े होकर भी जनता की सेवा कर रहे हैं। उधर अजमेर तो भारी बारिश के बाद 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई। जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश अजमेर के लिए जारी किए हैं। केकड़ी के लिए भी यही आदेश जारी हुए हैं। बारिश के बाद आपको बता दें कि 2 दिन छुट्टी रहेगी, यानी कि आज और कल छुट्टी कर दी गई है 12वीं तक के स्कूल की। चूंकि जिले भर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति है और आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है।
उधर कोटा के अयाना इलाके में भी लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। लुहावत गांव की पुलिया पर पानी आने की वजह से आसपास के एक दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। पुलिया पर 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक होने के बाद हादसे की आशंका बनी हुई है। पुलिया पर आवागमन बंद हो चुका है। लुहावत लक्ष्मीपुरा दर्जनपुरा पंचायत से जुड़े आसपास के दर्जनों गांव का संपर्क आपस में कट चुका है। उधर पाली में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पाली में जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार की बारिश के बाद चाहे वो मार्केट का एरिया हो चाहे वो बस स्टैंड का एरिया हो मुख्य मार्गों पर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को खासतौर पर आने जाने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि लगातार ये सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहने वाला है। राजस्थान में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है और उसी का ये असर जबरदस्त तरीके से बारिश कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। समय जिले भर में रात 12 बजे से बारिश का दौर जारी है और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार 8 घंटे से बारिश हो रही जिसकी वजह से पाली शहर की अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। आप हमारे साथ ये नज़ारा देख सकते हैं कि पाली की जो शहर की पॉश कॉलोनी है वीडी नगर, उसके हालात ये है कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और कई घरों में पानी भी घुस चुका है। अधिकांश जगह पर पानी की वजह से कई बाइकें हैं जो पानी में बंद हो गई है, तो कई लोग घरों में भी दुबके हुए हैं। अभी तक घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अधिकांश कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक का पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से आप देख रहे तो नज़ारा, तो ये पाली की शहर की पॉश कॉलोनी है वीडी नगर, जिसमें ये हालात है कि अंदर घरों के अंदर तक पानी जा रहा है और ये दुकानें हैं जिसमें भी पानी घुस चुका है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों में काफ़ी परेशानी है। और निचली बस्तियों की बात करें तो उन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, जनहानि न हो और अधिकार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन वहाँ पर लोगों को प्रशासन की ओर से अपील भी की जा रही कि गहरे पानी के अंदर नहीं जाए, बहते पानी के अंदर नहीं जाएं। लगातार 8 घंटे से हो रही बारिश के बाद अधिकांश नदी नालों में भी पानी की आवक शुरू हो गई। पाली की बांडी नदी की बात करें तो वो भी रपट पार करके उफान पर शुरू हो चुकी है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। और देखिए लगातार मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। अजमेर से बड़ी खबर ये कि कच्चा मकान गिरने से महिला की मौत हो गई है। श्रीरामपुरा गांव में कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से महिला की मौत हो गई। मलबे में दबकर एक गाय की भी मौत हुई है। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश अजमेर में हो रही है, लिहाजा छुट्टी बच्चों की कर दी गई स्कूलों की, लेकिन इन सबके बीच हादसे की भी जानकारी मिल रही है। एक कच्चा मकान गिरने से जो उस घर में महिला रहती थी उसकी मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि राहत बचाव के लिए लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है। इस बीच गंगापुर सिटी से बड़ी खबर है जहां पर रेलवे क्वार्टर की छत भी गिर गई। सहायक लोको पायलट धर्म सिंह के क्वार्टर की छत गिरी है। सहायक लोको पायलट और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। गंगापुर सिटी की टीआरडी रेलवे कॉलोनी की घटना है। 3 घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अन्य रेलवे क्वार्टर्स की भी हालत काफी जर्जर है। और देखिए लगातार ये सवाल उठते रहते हैं कि जहां पर बिल्डिंग जर्जर है या फिर मकान जर्जर है आखिरकार उनको नोटिस जारी क्यों नहीं किया जाता। गंगापुर सिटी में लगातार हो रही बारिश के बाद हादसे की जानकारी मिल रही है। रेलवे क्वार्टर की छत गिरी है जिसमें रह रहे 3 लोग घायल हुए। सहायक लोको पायलट धर्म सिंह के क्वार्टर की छत गिरी, सहायक लोको पायलट घायल हुए, उनके साथ साथ उनकी 2 बेटियां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया ये जा रहा है, हैरानी की बात यह है कि इसी तरीके के हालात दूसरे क्वार्टर्स के भी हैं, यानी रेलवे क्वार्टर्स के हालात कुल मिलाकर हादसे को दावत देते हुए जर्जर स्थिति में है। एक छत रेलवे क्वार्टर की गिर गई जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर बारिश के मौसम में माउंट आबू की जो वादियां हैं और भी खूबसूरत हो गई हैं। यहां पर झमाझम बारिश के बाद प्राकृतिक झरने बह रहे हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही। बारिश के साथ ही
हिल स्टेशन माउंट आबू पर बादलों की आवाजाही और शहर सड़कों पर धुंध छाई हुई है। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। माउंट आबू में बारिश के बाद पहाड़ों में कई जगह झरने भी अब शुरू हो चुके हैं। माउंट आबू की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी यहां आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल, यहां का नजारा बहुत ही अच्छा है और हर हर मानसून में आना ही चाहिए। यहां का नजारा देखना चाहिए, आके नजारा देखना चाहिए। बहुत शानदार मौसम हो रखा है, मतलब आने के बाद एकदम ऐसा फील हो रहा है कि हम कहाँ पे आए हैं, बोले जन्नत में आए हैं, पहाड़ों स्वर्ग में। स्वर्ग का दूसरा नाम लेक नक्की झील कहने के लिए। यहाँ का जो मौसम है, मिजाज है, बहुत खुशनुमा है एकदम। एक तरफ जहाँ बारिश से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लोगों को परेशानी हो रही, वहीं माउंट आबू में आकर सैलानी इस बारिश का आनंद ले रहे। बादलों की आवाजाही के बीच रिमझिम बारिश और धुंध का मौसम बना हुआ। बारिश और रिमझिम फुहारों के बीच बादल ने पहाड़ों पर डेरा डाला हुआ। सुबह हो या दोपहर या फिर शाम, यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई। बादल पर्यटकों को छूकर निकल रहे हैं और इन बादलों की आवाजाही के बीच वो नक्की झील में बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं। मैंने यहाँ का इतना अच्छा मौसम कहीं पर नहीं देखा राजस्थान में। ये इस तरीके का मौसम एक्चुअली मिलने को ऊटी जैसे इलाकों में मिलता है, पर इससे अच्छा मौसम मैंने कहीं नहीं देखा राजस्थान के अंदर। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे माउंट आबू में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पूरे शबाब पर है और माउंट आबू इन दिनों किसी जन्नत से कम है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। न्यूज 18 के लिए माउंट आबू से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। सावन का आज तीसरा सोमवार है। माउंट आबू का विश्वविख्यात धराधरेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। धराधरेश्वर महादेव मंदिर के महंत कामेश्वर दास जी महाराज के सानिध्य में अभिषेक और पूजा अर्चना हो रही है। 33 करोड़ देवी देवताओं के वास कहे जाने वाले अर्धकाशी माउंट आबू में 108 शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ है। प्राचीन पुराणों में वर्णित धराधरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने से 108 शिवलिंग की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया की खबरें।